धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजरना, हग के गुजरना, हद से गुजर जाना है। ये वीडियो बस एक मजाक है, तो कृपया इसे दिल पे ना ले, वरना आपका ही हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा। थैंक यू। तो क्या हाल चाल है लोंडो? आज हम लपेटे में लेने वाले एक ऐसे शख्स को जिसे लगता है कि अगर वो इस कम्युनिटी में नहीं होता तो फ्री फायर की सारी लड़कियां प्यार की तलाश में लुढ़क जाती। भाई को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी आईडी पर, सॉरी वॉइस पर, अच्छा ठीक है गिल्ड पर, कि अगर भाई को कोई भी लड़की मिलती है तो बिना प्रपोज किए उससे रहा नहीं जाता। एनी केसेस, किसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ? अच्छा, पहली बात तो ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पे बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को एज अ फन रोस्ट लेना, और ये बस एक फ्रेंडली रोस्ट है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बस मजे के लिए देखें और इसे एंटरटेन हो, एंड नो हेट टू एनीवन, सच्ची में भाई। अच्छा, अभी भी नहीं पहचाना? भाई के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और भाई को लंबे बाल रखना भी पसंद है। वाओ, अगर बाल लंबे रखता है तो लड़कियां उसे सहेलियां मानती होगी ना रे। अरे चिरकुट, गेम में वो फेस नहीं दिखाता, और हाँ फ्रेंडली रोस्ट है तो नो बॉडी शेविंग। जी भाई। तो हम कहाँ थे? हाँ, भाई के नाम जानने से पहले भाई की गिल्ड के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि भाई से ज्यादा भाई की गिल्ड की वजह से उनका चैनल चल रहा है। एनी गेसेस? चलो मैं ही बताता हूँ। द ब्रांड, द वन एंड आखिरी गिल्ड, बॉस। क्या तोस? अरे नहीं, बॉस। क्या सॉस? अबे छपरी बॉस। वही तो बोला टोस्ट। अबे भाई ये सारी ऑडियंस नाबालिग क्यों है? भाई की पहचान सिर्फ गिल्ड से ही है, क्योंकि इसके अलावा भाई के पास एक ही कंटेंट बचता है, जो कि है लड़कियों के पास जाकर उनसे प्रपोज होना। एक मिनट, लड़कियां सीरियसली? भाई ये अन्याय है। भाई मैं भी स्ट्रीम करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मुझे तो आज तक कोई जिंदा लड़की नहीं मिली। इवन लड़कियों के नाम पर इच्छाधारी नर घूम रहे हैं, द स्कैमर्स। और क्या लड़कियां माइक खोलती भी हैं? क्योंकि मैक्सिमम लड़कियों की एज तो 14 से 15 साल के बीच में होगी इस गेम में, तो क्या उन्हें स्कूल नहीं जाना? क्या उन्हें होमवर्क नहीं करना? चलो ठीक है, कंटेंट है, लॉजिक ढूंढूंगा तो बूढ़ा हो जाऊंगा। यार भाई का नाम तो बताना भूल गया। तो भाई का नाम है वी आर गेमर्स, जिसमें भाई गेम्स के नाम पर लड़कीबाजी करते हैं। Cute Free Fire Girl, propose me. I met and propose a cute Free Fire Girl. I love you prank, cute Free Fire Girl in train. एक मिनट, क्या मैंने ट्रेन बोला? भाई ये ट्रेन कहाँ से आ गया? FF में तो एरोप्लेन्स है ना? और एक बात, ये सारी लड़कियाँ क्यूट ही क्यों हैं? कोई बड़ी या छोटी क्यों नहीं है? भाई अगर अब तुम लोगों ने साथ नहीं दिए ना, तो ये बंदा सारी क्यूट गर्ल्स अपने साथ ले जाएगा। अब तुम यहाँ पे एंजल प्रिया से अपनी आईडी स्कैम करवा लोगे। वैसे एक बात मुझे भी हजम नहीं हो रही, कि ये बंदा गेमर्स के नाम पर लड़कीबाजी क्यों कर रहा है? मतलब ठीक है, स्क्रिप्टेड है और अनोइंग दोनों है, बट बॉस गिल्ड है तो चलेगा। ये बॉस गिल्ड के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये बॉस गिल्ड। वैसे एक और टैलेंट है भाई का, भाई सबको एज अ कंटेंट की तरह देखते हैं। अपनी न्यू वाली वीडियो में भाई सामने से रिकॉर्डिंग कर रहा है, बट किसी को कैमरा नहीं दिख रहा है। वाओ, क्या बोलूं भाई मैं, अब छोड़ो यार। मतलब भाई को खुद को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर वॉइस और गेम आईडी की जरूरत पड़ रही है। आधार कार्ड, YT स्टूडियो, ये क्या होता है? ये किस पंछी का नाम है? और एक सेकेंड, क्या साउथर्न इंडिया बैन हो गया है क्या? भाई लड़की मिलने के लिए आ गई है, जो कि सिर्फ गेम में ही मिली है, और उसका वीडियो तक बन रहा है और उसे ही नहीं पता, वो भी सामने से। चलो माना कि स्क्रिप्टर का दिमाग घुटनों में, बट आंखें लेव इट। छोड़ो लड़की का टॉपिक, वरना तुम लोग बोलोगे जलन हो रही है मुझे। इसके अलावा भाई हमारे स्टॉकर, अबे यार ये सच बार बार क्यों निकल जाता है? भाई हमारे एक्सपोजर भी है। भाई एक जिम्मेदार नागरिक होने के चक्कर में एक्शन लेते हैं वीडियो बनाने का। भाई रोस्टिंग बैटल हो गया ये तो। उस क्रिएटर का नाम मैं नहीं लूंगा, बट उसका नाम मेल खाता है TPS से। दोनों के साइड से बस ऑडियंस को घुमाया ही जा रहा था, और एट द एंड नो रिजल्ट, कट गया सबका। हैप्पी स्क्रिप्टिंग डे भाई, बढ़िया स्क्रिप्टेड भाई। वैसे तो इसके अलावा वही है कि भाई को सारी लड़कियां प्रपोज मारती हैं। अब एंड करते हैं। वैसे तो रियली मुझे इनकी वीडियो कुछ खास पसंद नहीं है, इवन क्रिंज लगती है, क्योंकि ये मेरा टेस्ट नहीं है।
भाई को बस एक सजेशन दूंगा, भाई मैच्योर हैं और उन्हें पता है कि उनके चैनल पर ऑडियंस में बच्चे ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या एजुकेट कर रहे हैं। माना कि एंटरटेनमेंट के लिए है, बट कुछ हैं जो कि एजुकेट हो जाते हैं, बाकी उन्हें भी पता है कम्युनिटी का हाल। सो टेक दिस एज अ सजेशन। बाकी ये वीडियो बस फ्रेंडली जोस्ट था, होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय। Thanks for supporting. Yay! और प्लीज भाई नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बता दो यार, मेरे को खुद ढूंढने पड़ते हैं। प्लीज थोड़ी सी हेल्प करो, थोड़े से हेल्पिंग हैंड बनो यार, मुझे बताओ कि नेक्स्ट रोस्ट किस पे बनाऊं। फ्रेंडली बट।